नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटीआई टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों आज 32 इंच का सैमसंग का ये एलसीडी है आया हुआ हमारे पास। आज इसमें सप्लाई दे दिए हैं और दिखा क्या रहा है, एक बिलिंग केबल दिख रहा है। आइए इसको खोला जाए, देखा जाए क्या इसमें है परेशानी। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका बैक कवर खुल गया है। इसमें देखिए जो है इसका इन्वर्टर सेक्शन जो कि CCFL को ऑन करता है बैकलाइट के लिए, वो और पावर सप्लाई एक में है। बोर्ड आपका यहाँ दिख रहा है और ये नॉर्मल है, एंड्रॉयड नहीं है। और दोस्तों अब फिजिकल रूप से तो इसमें डैमेज भी कुछ दिख नहीं रहा है। अब इसके बाद आइए स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज वगैरह चेक किया जाए कहाँ क्या है। थोड़ा पहले क्लीनिंग इसको कर लें, तब आपको दिखाते हैं आगे क्या है, क्या कैसे क्या करना है, बने रहिए। तो दोस्तों इसमें कुछ फॉल्ट ऐसा है, इसकी आउटपुट सप्लाई आपको दिखा रहे हैं क्या बन रहा, कैसे बन रहा है। और ये आउटपुट सप्लाई स्टेबल नहीं है, 5 वोल्ट भी देख लीजिए। ये आउटपुट सप्लाई कोई भी स्टेबल नहीं है, इसका फॉल्ट ही है। और लगभग सभी वोल्टेज जो है बिलिंग कर रहे हैं, सभी अप डाउन कर रहे हैं। तो कहाँ से है, कोई डायोड शॉर्ट है या कोई अन्य प्रॉब्लम है, आइए इसको हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं, बताते हैं आपको, बने रहिए। हाँ तो दोस्तों इसका फॉल्ट मिल चुका है। ये इसका जो आईसी था, ये आईसी निकाले हैं बाहर, देखिए इसमें टेप पर लगा दिए हैं यहाँ पे। ये आईसी शॉर्ट था, हाफ शॉर्टिंग था, इसमें फुल शॉर्टिंग नहीं था, जीरो नहीं कर रहा था। और शॉर्टिंग को क्लियर करने के लिए दोस्तों इसके कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर पे आपको लगभग 10 के का रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस कम मिल रहा है तो शॉर्टिंग माना जाएगा। इस पर मात्र लगभग 30 से 40 ओम का केवल रेजिस्टेंस मिल रहा था। इस आईसी को निकालें तो वो शॉर्टिंग जो निकल गया। अब वोल्टेज के कंडीशन दिखाते हैं कि वोल्टेज का जो कंडीशन है क्या है, तो बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम फिल्टर पे मेन वोल्टेज दिखाते हैं क्या है। फिल्टर का वोल्टेज 323 वोल्ट है। अब इसके बाद आपको बाकी जो सप्लाई इसमें इधर बन रहा है इस साइड में, ग्राउंड हम ले लेते हैं यहाँ पे, और 5 वोल्ट जो आपका स्विच कर रहा था, फ्लैक्चुएट कर रहा था 5 वोल्ट, अब देखिए 5 वोल्ट 5.16 एकदम स्टेबल हो गया है। यही स्विचिंग कर रहा था, यही नहीं सभी स्विचिंग कर रहे थे। और एक सप्लाई ये आपको दिखा रहे हैं, 16 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट की सप्लाई है, शायद 15 वोल्ट की सप्लाई है, ये भी अभी फिक्स नहीं दिखा रहा है, ठीक है 17 वोल्ट, यहाँ 17 वोल्ट निकाल रहा है। और एक सप्लाई यहाँ पे आपका 14 वोल्ट है निकल रहा है। तो अब जितनी भी सप्लाइयाँ अभी निकल रही हैं खैर बूस्ट नहीं हुई हैं, तो 5 वोल्ट हमारा मेन है, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट ये तो दोनों निकाल ही रहा, ठीक ठाक निकाल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका PFC ऑन होने के बाद पता चलेगा कि इसे क्या होता है। आ देखिए इसके PFC पे जो सप्लाई ड्राप कर रहा था, यहाँ इसको भी दिखा रहे हैं, जो सप्लाई ड्राप कर जा रहा था 12 वोल्ट की सप्लाई इस पे जो आता है वो यहाँ ड्राप कर रहा था, 11.6 आ गया, देखिए ये भी ड्राप कर रहा था। तो ये इसके जगह पर 1.6 वोल्ट आ रहा था, 1.56 इसे कुछ वोल्ट आ रहा था, ये आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों अब तो अब ये इतना ओल्ड मॉडल है और इसमें इसका ये आईसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी हमको इस पर जाँच पड़ताल करना पड़ेगा। और या इस पर कोई इसको भी लगा दे रहे हैं सेफ्टी के लिए, यहाँ पड़ा रहेगा, या तो इसका कोई ये क्या कहते हैं मॉड्यूल वगैरह मिल जाए तो इस पर लगा के देखा जाएगा। तो अभी तो दोस्तों इसमें समय लगने वाला है, और इसको कंप्लीट करके एक दूसरा हम वीडियो डालेंगे, दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए आपसे बोलते हैं, जय हिंद जय भारत।